कथा में एक बार बैठ जाओ, कभी ये कथा सुनते सुनते जीवन का जितने सारे पाप हमारी से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए गोपिया कहती हैं, कलमसा अपहम, भगवान की कथा से जितने पाप है वो सारे पाप से जीव को उधार मिल जाती है। इसलिए अधिकारी कौन है कथा सुनने का? बोले पापी से पापी भी कथा सुन सकता है। दूसरे उदाहरण में दिया, अगर कोई सोचे भैया हम तो बड़े पुण्यात्मा हैं, अरे कथा कितना सुनेंगे, सुनी सुनाई कथा को हम कितना सुनेंगे, हम सब वेद पुराण उपनिषद हम सब पढ़ चुके हैं, हमें ये कथा बता सुनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जे सुना ता अघाई, राम कथा जे सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जे सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जे कोई बोले अरे मैं तो कथा सुनते सुनते बोर हो गया, अरे सुनी सुनाई कथा को हम कितने सुनेंगे, कहते ऐसे जो बोलते हैं ना उनको ये समझो कथा की क्या महत्व है उनको बताइए। इसलिए श्री हमारे भागवत में श्री पृथ्वी महाराज जी को जब भगवान ने पूछा परमा को, बोले प्रभु मेरे को 10,000 कान दे दो। बोले 10,000 कान क्या करोगे, दो कान तो अच्छे लग रहे हैं, अगर यहाँ पर सारा शरीर में अगर कान ही कान हो जाए थोड़ी अच्छी लगेगी, इसलिए दो कान तो बढ़िया दिख रहे हैं। बोले प्रभु कान तो दो ही रहे, लेकिन ये दोनों कानों में कृष्ण कथा सुनने की इतनी शक्ति दो जैसे 10,000 कानों में जितनी शक्ति है। दूसरा तात्पर्य जो बताए, जैसे यहाँ कथा हो रही है और भी तो कहीं कथा होती होगी, इसलिए प्रभु कहीं भी कथा होना, कहीं की कथा मेरी चुप नहीं जाए, जितने जगह पर कथा हो उतना में रूप धारण करते हुए वहां पर जाए और तुम्हारी कथा सुनकर। और हमारे श्री रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुंडे तांडव निमित विकनुते तुंडा बलि लभते, करना करणो कड़म नि घते ते करना बुधे वस्तुया। श्री रूप गोस्वामी कहते ब्रह्मा जी को, बोले प्रभु ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आते ही नहीं, कृष्ण कथा कितने मधुर कितने मीठा कृष्ण कथा, और उसको सुनने के लिए दो ही कान क्यों दे दिया, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दे दिया, और कृष्ण नाम करने के लिए एक ही जीवा क्यों दिए, अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिए, मैं हर समय भगवान का मैं नाम जप करते रहूं। और हृदय में जब कृष्ण कथा कृष्ण नाम प्रवेश करता है ऐसे लगता है जैसा अमृत की झड़ी लग रही है, अमृत प्रवाह हो रहे हैं। इसलिए कृष्ण कथा कौन सुन सकते हैं, बल्कि पापी से पापी भी और ज्ञानी से ज्ञानी। कहते श्री सुखदेव गोस्वामी वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो जन्म से ही जिनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, सब कुछ छोड़ कर उन्होंने पूरा ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन कृष्ण कथा इतना मीठा इतना मधुर है, भागवत का एक श्लोक उनको कान में पढ़ाना उनको पागल कर दिया, और उनने सब कुछ छोड़ करके निकल करके आए और पूरी भागवत को भागवत कथा सुनी। इसलिए कथा एक पापी से पापी भी सुन सकते हैं और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी कथाओं को सुन सकते, कथा सब सुन सकते हैं।
दूसरा नंबर में बताए भागवत में विषय वस्तु क्या है, बोले उसमें कोई साधारण विषय नहीं, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम। बोले श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण की कथा है, है? बोले कौन सा कृष्ण की कथा है, बोले ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सब भक्तों ने की है, लेकिन कहते गोपियों ने जैसे उनको उपासना की कभी ये सर्वश्रेष्ठ उपासना है, क्योंकि उद्धव जैसे व्यक्ति जब ये ब्रज में आए और ब्रजवासियों का प्रेम को दर्शन किया, कितना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए तुंतु की बाजे प्रेम की ढोल। उद्धव जैसे व्यक्ति जिन ब्रजवासियों का भक्ति देख करके जिनकी चरण की एक धूल का वंदना करते हैं, उद्धव जी कहते हैं अगर ब्रज में मेरी कोई कुलम लता औषध वृक्ष रूप में अगर जन्म हो जाए, अगर ब्रजवासियों का चरण की धूल अगर मिल जाए, मेरे जीवन सार्थकता हो जाएगा। इसलिए भागवत में जो विषय वस्तु है वो भगवान की कृष्ण कथा है, और ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो सर्वोत्तम रूप में वहाँ पर स्थापन की गई, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। बोले भैया भागवत कथा सुने कहाँ से, जैसे समुद्र मंथन किया है, समुद्र मंथन से विष भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला है, कभी ये भागवत को मंथन करो तो वहाँ विष भी निकलता है, इसमें अमृत भी निकलती है। अगर हम वैष्णव से अगर कथा सुनते हैं तब तो ये भागवत से अमृत निकलेगा। इसलिए श्री पद्म पुराण में बताए जैसे दूध पीने से खुदा निवृत्ति होगा, शरीर का हृष्ट पुष्ट होगा, शरीर में ताकत मिलेगी दूध पान करने से, लेकिन अगर उसी दूध को अगर सांप ने मुंह मार दे तो वो देखने पर लगेगा तो दूध है, लेकिन अगर उसको पियोगे ना तो मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए पद्म पुराण कहते हैं अवैष्णव मुखत गिरनम कुतम हरि कथामृतम श्रवण एव नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापि। अगर वैष्णव से अगर हम भगवान की कथा सुनते हैं कभी ये कथा सुनने से क्या होगा, बोले भगवत प्रेम भगवत प्राप्ति जीव को होगा। अगर जो वैष्णव नहीं अगर उनसे अगर कथा सुनेंगे तो कहते जैसे सर्प ने जैसे दूध में मुंह मारने पर वो देखने में तो दूध है लेकिन वो हो जाता है जहर, उसी तरह वो कथा हमें प्रेम नहीं देगा, हमें कहते हमें ज्ञान कर्म योग भोग मार्ग में ले जाएगा, हमें प्रभु की प्रेम प्रदान नहीं करेगा। इसलिए ये भागवत को कल्प वृक्ष बताया, ये भागवत कल्प वृक्ष जो मांगोगे वही देगा ये भागवत ग्रंथ। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत कथा की, महात्मा को हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते भागवत की जो महिमा कहते ये दो ग्रंथ में आया है, कहते एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में, ये दो पुराण में इसकी महिमा आई है। कहते इसकी कथा ये स्कंद पुराण में भी इनकी बड़ी प्यारी कथा, उसको भी हम थोड़ी से सुन लेते हैं। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे फिर ये शरीर धारण करके क्या लाभ है, इसलिए कृष्ण विहीन प्राण ये प्राण नहीं, इसलिए माता कुंती ने उन्होंने भी शरीर त्याग दी। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं जब मैया चली गई हम क्यों रहे, इसलिए पांडव लोगों ने संसार को त्याग दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को बनाए और उन्होंने वृंदावन का राजा श्री बज्रनाभ को बनाया। एक दिन श्री परीक्षित महाराज ने श्री बज्रनाभ से मिलने के लिए आए, बोले बज्रनाभ तुम ठीक ठाक है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है, लेकिन मेरा मन बड़ा उदास है। बोले क्यों, बोले राजा तो मैं वृंदावन का लेकिन कोई प्रजा है, क्योंकि जैसे भगवान राम जब अयोध्या छोड़े पूरा अयोध्या वासियों को ठाकुर लेकर चले गए, उसी तरह जब कृष्ण इसी संसार से गए सारे ब्रजवासियों को
उनने साथ में लेकर गई। वहां तक भी वहां के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी नहीं थे, क्योंकि जब भगवान कृष्ण इसी जगत में आते हैं वो पूरा धाम को लेकर के आते हैं, और जब जाते हैं पूरा धाम को लेकर के ठाकुर जी चले जाते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज के जितने गुल्म लता कीट पतंग वो भी कोई साधारण नहीं, ये सब के सब कृष्ण भक्त है, ये सब के सब ये कृष्ण भक्त है। कहते वृंदावन कोई है ही नहीं, वृंदावन में सुनी सुनी है, इसलिए मेरा मन तो बड़ा उदास है। लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण है। लेकिन ये रहस्य को कौन जानता है? बोले सांडिल्य ऋषि। बोले ये सांडिल्य ऋषि कौन है? बोले नंद बाबा का कुल पुरोहित है। तब उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले सांडिल्य जी आप थोड़ी सी ये वृंदावन की कथा सुना। तब सांडिल्य ऋषि ये वृंदावन की उन्होंने कथा सुनाई। बोले देखो बजरनाम, भगवान की लीला दो तरह के हैं, एक उनको व्यवहार की लीला और एक उनकी वास्तव लीला है। साधारण रूप में क्या देखो, कृष्ण चले गए, लेकिन सही सही देखो कृष्ण अभी कहीं गए है नहीं। कृष्ण अभी भी कृष्ण ब्रज में पूर्ण रूप में विद्यमान है। आप लोग वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए हाथ उठा दो। कौन कौन वृंदावन गए? करी करी सबको सब वृंदावन गए। आप देखना वृंदावन में दो बने, एक निधु वन और एक निकुंज वन। आप देखना ठीक शाम को वो दोनों बने में जाना, वो बहुत सारे बंदर वहां पर, लेकिन इस शाम होते ही देखना बंदर को किसको भगाने का जरूरत नहीं। देखना ये बंदर अपने आप जंगल से निकल कर चले जाते हैं, और वो मंदिर में बड़े सुंदर ठाकुर जी को फूल की सज्जा लगाते हैं, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू रख लेते हैं, दांतन रख लेते हैं। आप सबर जाओ, आप देखना ऐसे लगेगा जैसे ये फूल के सज्जा के ऊपर में कोई रात को आकर के विश्राम करते हुए गए। कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगी, कभी लड्डू वहाँ लड्डू नहीं मिलेगी। अगर कोई सोचे हम जोर जबरदस्ती रात में यहाँ रुक करके देखना चाहते हैं, अगर कोई जोर जबरदस्ती रुक जाए ना वो गुंगा बन जाएगा, नहीं तो शरीर छोड़ देगा। ये दो चीज होगा, क्योंकि प्रभु की लीला दर्शन करने का बाद फिर वो बोलने का लायक नहीं रह जाता है, इसलिए ये शरीर छोड़ देता है। इसलिए उसी जंगल के पास में अपना गुरु जी का मंदिर है, मैंने तो दो घटना देखा, एक माता जी को मरते हुए देखा और एक व्यक्ति को मैंने गुंगा होते हुए देखा, हमने खुद देखा है। अभी ये कलयुग में जिनको विश्वास नहीं होता है ना भगवान है क्या नहीं, उनको बोलो वृंदावन में जाए, अरे ये दोनों वन में कोई एक वन में एक रात रुक कर रह जाए, फिर उनको पता चलेगा ठाकुर है क्या नहीं, उनको पता चल जाएगा। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो वज्रनाभ, कृष्ण स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं एक कदम भी वृंदावन से बाहर में कभी जाता ही नहीं। एक सूचना है, जैसे गाड़ी का नंबर है 8963, जिसका गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी हटा ले, उनके लिए परेशानी हो रही है। 8963 जिसका गाड़ी का नंबर है तो वो गाड़ी हटा ले। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में। हमारे संप्रदाय में एक संत भी है जिनका नाम था श्री श्यामानंद प्रभु। जब वो गुरु जी को पास में आए, गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक तू सेवा नहीं करोगे ना तब तक विवाह नहीं मिलेगा, जाओ अभी भी राधा रानी ब्रज में लीला कर रही है, तुम जाकर के निधुवन में झाड़ लगाओ, निधुवन में झाड़ लगाओ। वो संत जाकर के निधुवन में झाड़ू लगाया करते थे,
और ठाकुर जी का नाम जप करते थे, कभी कभी लोट पोट खाते थे प्रेम में विभोर होकर के। एक बार हाथ उठा कर बोलिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रो रो करके राधा रानी की सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे। अब राधा रानी दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, अपना प्यार का जो नुपुर राधा रानी छोड़ कर गए। जब वो संत सवेरे आए, देखा जंगल में एक सोने के नुपुर पड़ा हुआ, और नुपुर उठाए और अपना गुरु जी श्री जीव गोस्वामी के पास में गए। बोले गुरु जी, ये जंगल में तो सोने के नुपुर मिला है, लेकिन गुरु जी साधारण थे ही नहीं, उनका गुरु जी भी राधा रानी की एक सखी है। वो नुपुर देख करके पहचान गए, बोले बेटा ये राधा रानी के चरण की नुपुर है, और तुम्हें दर्शन देने के लिए उन्होंने बहाना बनाए। अगर कोई मांगने के लिए आए तो मत दिया करना, बोलना जिनके चरण का नुपुर वो स्वयं आ जाए और मैं अपना हाथों में मैं पहनाऊंगा। अभी ललिता विशाखा वहाँ पर आती है, बोले देख बाबा, हमारे घर की कोई एक बहू आई थी यहाँ फूल चयन करने के लिए, कहीं चरण की नुपुर कहीं घूम गई, तेरे को क्या मिला है? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनका चरण की नुपुर वो स्वयं आए, अपना हाथों से मैं पहना दूंगा। बोले तू कैसे बाबा हो, ये घर की बहू है, तू संत हो और घर की बहू की प्यार में नुपुर कैसे पहनाओगे तू? बोले नहीं, जिनकी चरण की नुपुर वो स्वयं आए, मैं स्वयं पहना दूंगा। इतने में राधा रानी बोली, उनको बोलो आंखों में काला पट्टी बांध दे, फिर तो मैं आऊंगी। तब राधा रानी स्वयं वहां पर आती, वो संत अपना हाथों से श्री राधा जी के चरण में उन्होंने नुपुर उन्होंने पहनाया। नुपुर पहना करके बोले हे राधे, जब आप यहाँ तक कृपा की है मेरे को दर्शन भी दो। तब राधा रानी स्वयं उनको दर्शन देती। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलिजुग की ये कथा है। कद श्री हम लोग गए होंगे नंदगांव, गए होंगे वहां पर एक टेर का दब है, वहां पर भी महाप्रभु का एक संत रहते थे जिनका नाम रूप गोस्वामी। एक बार उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी आए, आपस आपस में हरी चर्चा कर रहे थे। वो सोच रहे थे बड़े दिनों में बड़े भैया आए, इनको थोड़ा खीर बना कर खिलाऊं, लेकिन घना घोर जंगल उसमें कुछ था ही नहीं, खीर कैसे बनाए? राधा रानी स्वयं बालिका बन करके आती है और उनके लिए खीर बना करके चली जाती है। जब ठाकुर जी को भोग लगा करके उन्होंने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को खिलाए, खीर खाते ही इनकी रोम रोम खिल उठती है, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाती है। तो उन्होंने पूछा रूप गोस्वामी को, छोटे भाई को, बोले तुमने मन में कोई इच्छा की थी? बोले हाँ, आप तो बड़े दिनों में आए हो, मैं सोच रहा था अगर थोड़े से आपको खीर खिलाए, आपको खीर बहुत पसंद है। बोले देख रूप, ये घना घोर जंगल में तुम्हारी भावना को कौन समझे और ये खीर बना करके जाए? वो जो बालिका थी ना, कोई और कोई नहीं, वो स्वयं से किशोरी राधा रानी थी, ये खीर कहाँ करते? फिर उन्होंने माफी मांगी, बोले हे राधे, कहाँ आपकी सेवा करनी चाहिए और आप स्वयं आकर के हमारे लिए आप खीर बना कर गए। इसलिए श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा, देखो कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण वृंदावन में पूर्ण रूप में है। बोले अद्यापि वो सही लीला करे कृष्ण राय, अभी भी ठाकुर जी नित्य लीला कर रहे हैं, लेकिन कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार पाए, जो ऐसे उनकी भक्ति करते हैं अभी भी ठाकुर जी उनको वृंदावन में, अभी भी ठाकुर जी उनको दर्शन देती है। देखो आज से 50-55 साल के पहले घटना है, ज्यादा दिन नहीं, 50-55 साल से पहले घटना है। बोले एक व्यक्ति का पत्नी का नाम थी किशोरी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी और बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। अभी क्या हुआ, शादी के कुछ दिन बाद में उसने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन पति उसको पर बहुत ही आसक्त था, क्योंकि बड़ी पतिव्रता थी, पति की सेवा करने वाली बड़ी सुंदर थी। अभी पत्नी की चिंता करते करते वो पागल हो गया,
अब दिन रात हा किशोरी तुम कहाँ हो, ऐसे करते करते वृंदावन में कैसे घूमते घूमते वृंदावन में आ गए। अभी वृंदावन में रात भर हा किशोरी तू कहाँ हो, तू कितने अच्छी थी, कितने सेवा करती थी, हा किशोरी। लेकिन वृंदावन में भगवान का नित्य रास होता है। रास बोले चार तरह का, एक रास है नित्य रास है, जहां पर प्रभु रोज वृंदावन में रास रचाते हैं। अभी राधा रानी सखियों के साथ में आई तो उन्होंने सुना हा किशोरी हा किशोरी। अरे वृंदावन में किशोरी बोल करके सबसे राधा रानी को जानते हैं, वहां पर राधा रानी को सब किशोरी 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 नाम से बुलाते। अगर दो व्यक्ति का अगर एक नाम हो ना, आप एक व्यक्ति को बुलाओ दूसरा व्यक्ति आवाज देगा। अभी राधा रानी सुन करके ललिता को बोले देख ललिते कोई देखो मेरे कोई भक्त आया है, देखो रात भर सोया नहीं और हा किशोरी आर्तनाद करके मेरे को बुला रहा है। देखो ललिता ने डांट लगा दी, बोले चुप रहो तेरे को नहीं बुला रहा है वो। उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बड़ी पतिव्रता और पति सेवा परायण थी। शादी के कुछ दिन बाद में उसने शरीर त्याग दे दी और वो पत्नी को प्रेम में पागल होकर के वृंदावन में आ गया। वो तेरे को नहीं, वो अपना बीवी को बुला रहा है, तू चुप रहो। लेकिन वो बारंबार हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी बुला दी जा रहा है। अभी राधा रानी को रहा ही नहीं गया, क्यों? वृंदावन में किशोरी तो राधा रानी को सब जानते हैं। राधा जी बोले देख ललिता मेरे को पता है वो अपना पत्नी को बुला रहा है, लेकिन ये किशोरी नाम है किसकी? मेरी है, उसको दी गई किशोरी नाम, लेकिन किशोरी मेरे को सब किशोरी बोल करके वृंदावन में मुझे जानते हैं। और मेरे धाम में आकर के रात भर सोया नहीं, हम आगे जाकर के अजामिल का कथा सुनेंगे, कैसे उसने अपना बच्चे को नारायण बुलाया, ठाकुर को नहीं, वो अपना बच्चे को बुलाया था, लेकिन अपना बच्चे को नारायण बुलाया तो उसको वैकुंठ गति हुई उसको। इसलिए बोले देखो ललिते जो भी किच्छू हो जाओ उसको लेकर के आ जाओ। तब ललिता विशाखा उसको लेकर के आते हैं, राधा रानी सर पर हाथ रखते ही वो था एक पागल, अभी वो दूसरा पागल हो गया। कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के। कहती जितने सारे पागल है ना सब झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो पागल है श्री भाग के बिहारी के, वो असली पागल है। इसलिए सांडिल्य कहते देखो बज्रनाभ कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में विद्यमान है। लेकिन ऐसे जो भजन करते हैं ठाकुर जी अभी भी उनको बड़ी कृपा करते हैं, लेकिन दर्शन मिलेगा कैसे? बोले एक काम करो, कृष्ण तो चले गए, अभी उनका जो लीला स्थान है वो धीरे 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 अंतर ध्यान होते जा रहा है। किसको पता नहीं कृष्ण कहाँ पर बंसरी बजाए, कहाँ पर गैया चराए, कहाँ पर गिरिराज उठाए, किसको पता नहीं। तुम पुनः ये ब्रजभूमि के फिर प्रकाश करो और कृष्ण जैसे जैसे लीला की है वो लीला स्थली को उधार करके वैसे तुम नाम कर्म करो। भविष्य में जो आएंगे कम से कम उनको पता चले कृष्ण कहाँ कहाँ पर लीला की। तब उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को परीक्षित महाराज को लेकर गए, पुनः उन्होंने वृंदावन को प्रकाशित किया। कहीं उन्होंने ठाकुर प्रकाशित कर दिए, कहीं उन्होंने कुआ खोदवा दिए, कहीं उन्होंने तालाब रख दिए, कहीं ठाकुर जी का चरण चिन्ह रख करके उन्होंने ब्रज भूमि को पुनः नाम कर दिया। जैसे ब्रज में इसका नाम वृंदावन, इसका नाम डी, इसका नाम गोवर्धन, इसका नाम नंदगांव, इसका नाम बरसाना, इसका नाम जाबट, ये स्थान का नाम कोकिलावर, ऐसे ऐसे नाम रखे। कोकिलावर ने क्यों नाम पड़ा? कृष्ण राधा रानी को कुहू 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 शब्द से बुलाया करते थे, इसलिए उसका नाम कोकिलावर नाम पड़ा। बोले जाबट का नाम क्यों पड़ा? बोले कृष्ण ने कभी बंसुरी बजाई। अभी सखियां राधा रानी को श्रृंगार कर रही थी, अभी सारे श्रृंगार तो हो चुके हैं, केवल चरण में अभी उन्होंने केवल मेहंदी लगाना बाकी थी। इतने में कृष्ण बंसुरी बजाए तो राधा रानी भागते भागते आई और वहां पर कृष्ण देखा तो बोले प्यार में उनकी मेहंदी नहीं। कृष्ण ने एक जाबक एक पेड़ है वो पत्ते को घिसा तो उसमें जो जूस निकलता है
वो मेहंदी जैसे कृष्ण अपना हाथों से राधा जी के चरण को उन्होंने श्रृंगार किया, इसलिए वो स्थान का नाम चाबट, जिस बट वृक्ष के नीचे कृष्ण राधा जी के चरण मेहंदी लगाया। एक स्थान का नाम आजनव, आप लोगों ने देखा है आजनव? कौन कौन देखा है, हाथ उठा तो, कोई कोई नहीं देखे। देखो एक समय कृष्ण बंसरी बजाए, सखियां श्रृंगार कर रही थी, सब श्रृंगार हो चुके, लेकिन आंखों में केवल काजल लगाना बाकी थी। इतने में कृष्ण बंसरी बजाए तो राधा रानी भागते भागते आई, देखा सब श्रृंगार तो ठीक है, अभी आंखों में काजल नहीं। कृष्ण स्वयं एक पत्थर के ऊपर बैठा करके राधा जी की आंखों में काजल लगाए, और वो हाथ को, वो जो पत्थर था वो पत्थर के ऊपर में कृष्ण ऐसे हाथ को घिस दिए। अभी भी आप जाओगे देखोगे वो पत्थर को घिसो, वो पत्थर से काजल का रंग अपने आप निकलता है, अपने आप पत्थर से काजल अपने आप निकलेगा, वो आश्चर्य घटना है। अगर कभी सौभाग्य हो तो जरूर आप दर्शन करना, ये नंदगांव बरसाना को पास में जहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन किया है, उसको पास में अभी भी वो शिला रखा हुआ है। इसलिए श्री बज्रनाभ ने पुनः ये वृंदावन धाम को उन्होंने प्रकाशित किया, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये सारे ठाकुर को, जितने वृंदावन में ठाकुर दर्शन करोगे सब इनकी प्रकाशित हुआ, उनकी ठाकुर है, उन्होंने पूरा ब्रजमंडल को उन्होंने प्रकाशित किया है। एक दिन महिषियों ने देखा कृष्ण विरह में हम तो दुखी है, लेकिन देखा जो यमुना है उसके अंदर में कोई दुख ही नहीं, वो कलकल कलकल नाद से बह रही है, कृष्ण कीर्तन करते हुए आनंद से, यमुना में कोई दुख नहीं है। महिषियों ने पूछा कालिंदी हम सबके सब कृष्ण विरह में दुखी है, लेकिन तेरी अंदर में कोई कृष्ण विरह है ही नहीं, क्या बात है? तो देखो ये राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं गए नहीं, लेकिन जब राधा रानी की कृपा हो तभी अभी भी वृंदावन में कृष्ण दर्शन मिलेगा, लेकिन ये राधा जी की कृपा से, इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, देखना कोई कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते, आप वृंदावन किसके नाम लेते हैं, जोर से बोलो और जोर से, पीछे वाले कोई बोल नहीं रहे, देखना वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, मतलब केवल राधा जी की ही कृपा से कृष्ण ब्रज में नित्य विद्यमान, केवल उनकी कृपा से ही अनुभूति होता, नहीं तो अनुभूति नहीं होगी। बोले हम भी राधा जी की शरण में जाएंगे, तब महिषियों ने श्री राधा रानी की शरण में गए, जब गए बोले ये बात हमें कौन बताएगा कृष्ण वृंदावन में अभी भी है, बोले ये उद्धव जी बताएंगे, क्योंकि कृष्ण ये उद्धव जी को उन्होंने वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना उद्धव ने दिया था। बोले उद्धव जी कहाँ मिलेंगे अभी, बोले अभी भी उद्धव ब्रज में है, बोले कहाँ पर, बोले गिरिराज में। अब लोग गिरिराज परिक्रमा लगाए, कौन कौन गिरिराज दर्शन किए हैं, किए हैं, देखना ठीक राधा कुंड से पहले वो उद्धव कुंड है, बोले अभी भी उद्धव जी वहीं पर घास बन करके अभी भी उद्धव भजन कर रहे हैं। ये उद्धव जी को ये रहस्य पता है, कृष्ण उद्धव जी को भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, बोले चलो हम सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी में चलते हैं, सबके सब श्री गिरिराज की तलहटी में गए, और वहीं पर सबके सब भगवान की कीर्तन करते हैं। प्रभु जी एक सुंदर ब्रज का भजन गाएंगे, हम लोग पीछे पीछे वो भजन को दोहरा ना, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को, नाम डाल यार पात पात पे श्री राधे राधे। राधे राधे रट कही
कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम तो आइए कौन कौन वृंदावन जाएंगे, कौन कौन जाएंगे हाथ उठा के बताएं, सभी लोग जाएंगे। अच्छा वृंदावन कैसे जाते हैं लोग? अच्छा गोवर्धन कौन कौन गए हैं? अच्छा जो लोग गए हैं गोवर्धन तो देखे होंगे कि वहां कैसे परिक्रमा करते हैं, नाचते नाचते कूदते कूदते और क्या कीर्तन करते हुए, तो वृंदावन ऐसे जाते हैं। तो आइए सभी लोग नाचते कूदते भाई और गाते हुए वृंदावन चलेंगे। हरे वृंदावन धाम अपार Yeah.
हाथ उठा
अंदर बोलना है, प्रेम से बोलो। कीर्तन का प्रभाव से कहते श्री उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे, श्री उद्धव जी वहां पर प्रकट हुए। तब महेश्वर ने पूछा, हे उद्धव, कृष्णा तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों का सांत्वना प्रदान की थी, अभी भी हम कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, अभी बताओ कृष्ण हमें कैसे मिले। उद्धव जी ने कहा, देखो मैंने भी यही प्रश्न कृष्ण को किया था। जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे उस समय मैं भी वही था, मैं यही प्रश्न कृष्ण को किया था। कृष्ण ने कहा, देखो उद्धव, मैं इसी दुनिया में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता हूँ, हर द्वापर में कृष्ण नहीं आते, हर त्रेता में राम नहीं आते, हर कली में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, कभी ये ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले भैया एक दिन कितना बड़ा दिन, ध्यान देकर सुनो, जिस कलयुग में हम लोग जन्म लिए ना, ये कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये युग का नाम कलयुग है। कली मतलब क्या, कलह, लड़ाई, झगड़ा, जहाँ पर भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, ऑफिस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, पार्टी पार्टी में लड़ाई, देखना जहाँ लड़ाई छोड़कर कली छोड़कर कुछ है ही नहीं, सब जगह में ये कली है। ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन ये जो कली, जिस कली में हम आएंगे, ये कलयुग का नाम धन्य कली है। धन्य कली मतलब जिस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, और कब महाप्रभु आते हैं, कृष्ण राम कब आते हैं, बोले ब्रह्मा का एक दिन में। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, ध्यान देकर सुनो, कब कृष्ण आते हैं, बोले ब्रह्मा का जो एक दिन है, बोले ये कलयुग का परमायु 432,000 साल, ये कली का परमायु। बोले द्वापर का, बोले कलयुग को दो गुना कर लो, 4 4 8 32 32 64 है, कहते 32 32 कितना होता है, 64, कहते 8 8 64 द्वापर को मिला दो, त्रेतया को कलयुग का 3 गुण कर दो, और सत्ययुग को कलयुग का 4 गुना कर दो, अभी इसको पूरा मिलाओ, मिलाने पर इसको एक महायुग कहते हैं, और ऐसे 71 महायुग में एक मनोतर होता है, एक मनु जगत में आते हैं। जब ऐसे 14 मनु बदल जाते हैं, 14 मनु, तब ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग मतलब करोड़ों करोड़ों साल जो बीत जाएगी, तभी हर तृतीया में राम नहीं, तब राम एक बार आएंगे।
हर द्वापर में कृष्ण नहीं आएंगे, 1000 चतुर्युग बीतने पर कृष्ण आएंगे, और हर कलयुग में महाप्रभु नहीं 1000 चतुर्युग के बाद। इसलिए अभी जो तृतीया युग गई है इसमें प्रभु राम आए थे, अभी जो द्वापर युग गई इसमें कृष्ण आए थे, अभी जो कलयुग गई इसमें महाप्रभु आए थे। इसलिए ये कलयुग को धन्य कलयुग बताया गया, और ये कलयुग का इतने महत्व ये कलयुग के देवता लोग भी ये कलयुग में इंसान बनकर के जन्म लेना चाहते हैं। सप्त त्रेतया द्वापर युग का लोग भी ये कलयुग में इंसान बनकर के, बोले कहाँ पर, विदेश में नहीं, बोले भारत में जन्म लेना, बोले कौन सा वंश में, बोले हिंदू घर में ये बड़े बड़े देवता लोग सप्त त्रेतया द्वापर युग का लोग भी ये हिंदू घर में कलयुग में और भारत वर्ष में ये जन्म लेना चाहते हैं। इसलिए कि जो कलयुग का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तब यहाँ पर श्री उद्धव जी महिषियों को कह रहे हैं, बोले देखो महिषियों, अभी कृष्ण आने वाले नहीं, कृष्ण मेरे को बोल कर गए थे ब्रह्मा का एक दिन में आएंगे। बोले फिर क्या कृष्ण मिलेंगे नहीं? उद्धव जी ने कहा नहीं कृष्ण मिलेंगे, इसका उपाय भी मेरे को बताए। बोले क्या बताए थे? बोले अगर ये कलयुग में कोई ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को श्रवण करे, भागवत में 12 खंड है, प्रथम द्वितीय स्कंध ये वाक्य विहार की ये 2 चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध बोले ठाकुर जी की 2 जंघा है, पंचम स्कंध ठाकुर जी की नाभि कमल है, षष्ठ सप्तम स्कंध बांके बिहार की 2 हाथ है, अष्टम स्कंध ठाकुर जी की बख्य स्थल, नवम स्कंध भगवान की कंठ, दसम स्कंध भगवान की मुखार बिंद, बोले एकादश स्कंध ठाकुर जी की ललाट, और जो द्वादश स्कंध ठाकुर का सर। बोले ये श्रीमद् भागवत नहीं, ये कलयुग में स्वयं कृष्ण जीव की कल्याण करने के लिए ये भागवत ग्रंथ रूप में आए हैं, ये कृष्ण स्वयं बोल कर गए। बोले कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा श्रवण करेगा, कहते भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग नहीं। हम लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, साक्षात ठाकुर जी से हमारी साक्षात मुलाकात हो रही है ये कथा रूप में। इसलिए जब श्री नारद जी भगवान से पूछे ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, ठाकुर जी ने क्या बताए, बोले ना अहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय रच मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान खुद कहते दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, भगवान कहते मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, दुनिया कहते योगियों का हृदय नहीं, बोले योगियों का हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले कहाँ रहते हो, जहाँ पर ये भागवत कथा हो, जहाँ पर कीर्तन भागवत कथा हो, ठाकुर जी कहते मैं स्वयं वहाँ पर रहता हूँ। उद्धव जी कहते मेरे को कृष्ण ये बात बोल कर गए, ये कथा में ही मैं विद्यमान हूँ ग्रंथ में। तो महिषियों ने बताए उद्धव जी फिर तक आप हमें कथा सुना दो, हम लोग तो 7 दिन तक सुनेंगे। कहती जो सर्वप्रथम ये कथा कहाँ पर हुई है, बोले श्री गिरिराज तलहट में, जहाँ पर उद्धव कुंड, जहाँ कुसुम सरोवर, वहीं पर श्री उद्धव जी ये महिषियों को 1 महीना तक कथा सुना। जब ये कथा पूर्ण हो गई ये भागवत ग्रंथ से, साक्षात कृष्ण राधा रानी सखियों को साथ में, अपना परिकरों को साथ में, भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए और महिषियों को दर्शन दी, और महिषी लोग कृष्ण विरह से इनको उधार हुई, कृष्ण विरह उनसे दूर हुई। इसलिए कलयुग में ये भागवत कथा सुनना और भगवान से मिलना कोई अलग बात है नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय, जयकार नहीं दे रहे, जोर से जयकार लगा, लगता है आज व्रत सबके सब रखे, जोर से बोला, बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। हाँ, इसलिए जिस समय चतुष्ण हरिद्वार में कथा में जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग भी जयकार दिया है और पारिजात पुष्प की बौछार की,
शंख बजाए, दुंदुभी बजाए और शंख बजा करके भागवत कथा की जयकार देते हैं। बोले इसका तात्पर्य यह है, अगर कहीं ये भागवत कथा हो ना, ये देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते हैं। बोले भैया भागवत कथा हो रही है, बड़े भाग्य से कहीं ये भागवत कथा सुनने को मिलती है। तब श्री उद्धव जी फिर बताते हैं, भैया ये कथा हमें कैसे सुननी चाहिए, फिर ये कथा की फल हमें प्राप्त होगी। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्रोता दो तरह के बताए, कितने तरह के श्रोता बताए कल कथा में, कौन कौन थे, कौन कौन कथा थे ना, उसमें श्रोता दो तरह के बताए, एक अच्छे श्रोता और एक साधारण कनिष्ठ श्रोता। अब जो अच्छे श्रोता चार तरह के बताए थे, कितने तरह के बताए थे, किसको किसको याद है बोलो तो। अच्छे श्रोता ने ये तो इसमें चार तरह का श्रोता है और अच्छे श्रोता, उसमें एक श्रोता का नाम बताओ किसको याद है बोलो तो, बोलो। हाँ भैया ने याद रखा है, बहुत अच्छी बात। इसलिए एक पहला नंबर बताए हंस। अब लोग देखो और एक बार बोल देता हूँ, कल फिर पूछूंगा। पहला नंबर हंस है, जैसे हंस को दूध दो वो हंस दूध दूध को तो पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देता है। इसलिए हमें श्रोता कैसे बननी चाहिए, हंस जैसे, अच्छे चीज को ग्रहण करो और बुराई को त्याग दो। और दूसरे नंबर के कौन बोलेगा, किसको याद है बोलो, कौन है बोलो बाबा, क्या है क्या है, मधुमक्खी। इसलिए दूसरे तरह का मधुमक्खी, कल बताया मक्खी और एक मधुमक्खी, दो तरह के होता है। जो मक्खी कहाँ बैठता है वो गंदी चीज में, और मधुमक्खी कहाँ बैठती है बोले फूल में बैठ कर के, बोले शहद, शहद को आहरण करती है। भले ही कांटा वृक्ष में कहीं फूल क्यों नहीं हो, लेकिन ना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके उस शहद को ग्रहण करके बड़ी सुंदर छत्ता बना देती है। इसलिए हमें मक्खी नहीं बननी चाहिए, हमें मधुमक्खी बननी चाहिए। तीसरा नंबर मछली, मछली को देखना उसका आंखों का पलक कभी झपकती नहीं, हर समय उसकी खुली हुई आंख रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, आंख बंद करके नहीं है, आंख खोल करके कथा सुनो, मछली जैसे टकटक लगा कर कथा सुननी चाहिए। बोले चौथा कौन है, चातक। जैसे ये चातक पक्षी कभी किसी नदी का पानी, किसी तालाब कुएं का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाति नक्षत्र का पानी ये पान करता है। इसलिए हमें चातक बन करके टकटक लगा करके केवल हमें कथा सुनेंगे तो श्री ठाकुर जी की ही कथा हम सुनेंगे, दुनियादारी की कोई कथा हम नहीं सुनेंगे। इसलिए ये चातक, ये चौथा नंबर श्री चातक पक्षी है। ये चार तरह के अच्छे श्रोता, और एक अच्छा श्रोता है जिसका नाम तोता। ये तोता में एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चा फल में कभी चोंच नहीं मारेगा, पक्का हुआ फल में ही चोंच मारे। मतलब क्या, जहां तक मुंह नहीं मारनी चाहिए, उल्टा सीधा चुगली निंदा बुराई में मुंह नहीं मारनी चाहिए, मुंह मारो भगवान की भक्ति में ही मुंह मारनी चाहिए हैं। इसलिए बोले पांच तरह के अच्छे श्रोता है और पांच तरह के साधारण श्रोता, कल मैंने सब बात बताई थी, और चार तरह का कथा बताया था, सात्विक राजसिक तामसिक और निर्गुण कथा है। इसलिए जो निर्गुण कथा है ये सही कथा। फिर बताए तीन तरह का श्रोता है, एक श्रोता, एक सरोता और एक श्रोता। श्रोता मतलब क्या है, वो देख देख करके बैठते हैं, कहाँ बैठने पर नींद बढ़िया सा है, वो देख देख कर बैठेंगे और कथा शुरू हुई बात सो गए। इसलिए इनको कहते हैं श्रोता। बोले एक समय एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा उसका नाती था, वो क्या करता था, अपना बाबा को ला करके एकदम कथा को सामने बैठाते थे, और जो श्रोता जब ओम अज्ञान तिमिरा मुदस्य वंदना करे बस सो जाए। अगर कथा को सामने अगर कोई सो जाए ना, देखो सुखदेव गोस्वामी के मुंह से इतने सुंदर बढ़िया कथा क्यों निकली, जो श्रोता है वो परीक्षित है। श्रोता जितने अच्छे कोटि के हो कथा उतना बढ़िया होता है,
अगर श्रोता अगर सो गया फिर वक्ता तो बनते रहेगा हाँ? उसको आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए जो श्रोता हो ना मछली जैसे श्रोता हो, आंख खोल करके टकटक लगा कर कथा सुनो, फिर तो बोलने वालों को आनंद आएगा। लेकिन उसको सामने बैठा देते हैं वो सो जाता है, वो बच्चा खेलता है। जब कथा समाप्ति हो, जब उसमें श्री बसि वृंदावन बिहारी लाल की जब जयकार देना, फिर उनका नींद खुले। अभी सोता वक्ता बड़ा परेशान है, बोले सामने बैठ करके सोता रहता है, हैं सोता रहता है। एक दिन वो बच्चे को बुलाए, बोले तुम अपना बाबा को क्यों लाते हो? बोले बाबा हमें रोज 2 रुपया देते, इसलिए ला करके बैठा देता हूँ, मैं खेलता हूँ और कथा समाप्त हो जाने पर ले जाता हूँ। बोले देख एक काम करना, कल तुम्हें 4 रुपया दे, लेकिन तू बाबा के पास में बैठना, एकदम सोना नहीं, सोने नहीं देना। जब सोए ना उनको हाथ में उनको मारते रहना। अभी बोले 4 रुपया जो मिले खेले की बाबा को देते हैं 2 रुपया। वो बैठ गया बाबा के पास में, दादा के पास में बैठ करके पूरी कथा में सोने नहीं दिया। जब सोने फिर मारे, अभी तो बड़े परेशान, 1 घंटा चैन से सो जाते थे, आज तो सोने ही नहीं दिया। उसने पूछा तुमने खेलने क्यों नहीं गया, तेरे को मैं रोज 2 रुपया देता हूँ। बोले बाबा मेरे को जो वक्ता है ना, बोले तुमको 4 रुपया दूंगा अगर उनको सोने नहीं देगा तो। बोले कल से तेरे को मैं 6 रुपया दूंगा, तुम यहाँ बैठना नहीं, तू खेल। इसलिए कहते पहला नंबर है सोता जो कथा में आकर के सो जाए, दूसरा नंबर है सरोता। बोले सरोता मतलब क्या है? आप देखना सुपारी को काटते हैं ना एक मशीन से, हैं? सरोता मतलब है जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं, जिनकी केवल जिनकी दोष देखने में ही केवल आते हैं। तोता तो लगाया नहीं, नवग्रह की पूजाई नहीं हुआ, यहाँ पर केले का पेड़ कहाँ है, कुछ है ही नहीं, वो उनकी कथा बता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे इनसे कुछ था बास, परीक्षित महाराज वहां पर आए, सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, प्रश्न की बास कथा आरंभ हो गई। वहां कोई नवग्रह की पूजा नहीं, कुछ नहीं थी, वहां पर केवल शुद्ध रूप में वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे और सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवत कथा सुना। मेन वस्तु कथा सुनो, कथा का सार वस्तु को ग्रहण करो। इसलिए कहते उनको सरोता, सरोता मतलब जिनकी कथा में कोई मतलब नहीं, केवल दोस्त देखने के लिए आते हैं। और जो तीसरा नंबर है श्रोता, श्रोता मतलब जो भागवत का सार को, जैसे तोते बन करके, मछली बन करके, जैसे चातक बन करके, हंस बन करके, जो वास्तव रूप में कथा को जो सार है जो अपना जीवन में उतारते हैं, कि तो असली वही श्रोता है। अगर हम सही सही 7 दिन तक ये भागवत कथा श्रवण करेंगे, ये भागवत कथा हमारी सारी इच्छाओं को और भगवत प्रेम को हमें ये प्रदान करेगा। बस वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की, जय जय श्री राधे। मेरे पीछे पीछे थोड़ी सी कीर्तन कर लो, हाथ में ताली हो जाती है, ठीक है? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सबसे सब पीछे पीछे बोले, अब पीछे पीछे ताली बजा दे जोर से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे।
सतगुरु जी को पता कलयुग का जीव और कोई साधन नहीं कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी बोले हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम रखो। हाथों में काम और मुंह में नाम, बस कलयुग में इतने से ही कल्याण हो जाएगा। तब ये महामंत्र में तीन नाम है। पहला नंबर हरि, बोले हरि का मतलब क्या है? तब जो हमारे दुख कष्ट क्लेश को जो हर ले, जो नष्ट कर ले, इसलिए उनका नाम हरि। दूसरा नाम कृष्ण, बोले कृष्ण का मतलब क्या? बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना। देखना हमारा मन बड़ा चंचल है, कितना मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, मन बड़ा चंचल है। और क्री बोलते ही कि जो चंचल मन को जो भटकने नहीं दे, ये चंचल मन को जो भटकने नहीं दे उसको खींच करके ले आए। और स्ना मतलब होता है जो आनंद दे, कृष्ण। और तीसरा नाम राम, बोले राम मतलब क्या? बोले सभी के हृदय में जो रमण करे और जीवन में हमें जो आराम प्रदान करे। इसलिए इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण राम, ये साधारण अर्थ है। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ क्या है? बोले हरे मतलब होता है इसका मूल शब्द हरा, वो संबोधन में हो जाता है हरे। हरे मतलब होता है कृष्ण का मन प्राण चित्त को जो आकर्षण करे, वो कौन है? बोले श्री राधे के हरे। कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण। फिर उसमें हरे राम, हरते हो गया राधा रानी। अब उसमें जो राम शब्द, अभी राधा जी को शाम को साथ में तो श्याम रहते हैं ना, राम तो नहीं रहते, इसलिए यहाँ पर कृष्ण का एक नाम राम है। वो इसलिए बोले राधा रमयती राम, जो राधा जी को साथ में जो रमण करे, जो विहार करे, इसलिए उनका नाम राम है। इसलिए ये महामंत्र में ये जुगल मंत्र है। महामंत्र में अगर ये महामंत्र को कोई करेगा ना, एक समय साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, बोले भैया क्यों कहते हैं ठाकुर का नाम में बड़ा आनंद है, बड़ा शांति है? देखो ध्यान देकर सुनो, साइंटिस्टों ने क्या रिसर्च किया है, बोले ठाकुर का नाम में क्या शक्ति देखने के लिए एक बार में तीन ट्रे लिए और तीन ट्रे में ही जो साबुत मूंग दाल तीनों ट्रे में रख दी और थोड़ी थोड़ी पानी उसमें रख दिया और उसको अलग तीन जगह में रखे। एक ट्रे को तो साधारण जगह पर रखे और एक ट्रे को पास में हरे कृष्ण महामंत्र को चला दिया और तीसरे ट्रे को पास में जो रथ म्यूजिक उल्टा पुल्टा करते म्यूजिक को चला दिया। बोले देखते हैं उसमें क्या होता है। तीन दिन बाद में देखा जहां पर साधारण जगह में जहां पर ये मूंग दाल रखे थे वहां पर थोड़ी सी अंकुर आया। जहां पर ये हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था देखा दो तीन गुना ज्यादा उसमें अंकुर आया और जहां पर ये रथ म्यूजिक चल रही थी उसमें एक अंकुर नहीं आया। वो सबके सुन मर गया सबके। अरे भैया सचमुच से कहते हैं मंगल भवन अमंगल हरि, ठाकुर का नाम में इतने शांति क्यों मिलती है? कारण क्या है? कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान का नाम साधारण वस्तु नहीं, भगवान का नाम में बड़ा शक्ति है ठाकुर का नाम। इसलिए हम लोग सबके साथ हाथों में मीठी मीठी ताली बजाते हुए सबके सब कीर्तन करना, ठीक है? अगर ये महामंत्र जप करेंगे तो क्या होगा? हरे मतलब सारे दुख कष्ट हरण होगा, क्रीम कृष्ण मतलब चंचल मन को शांति मिलेगी, राम मतलब जीवन में हमें आराम मिलेगी। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए पीछे पीछे कीर्तन करना, ठीक है? बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
मंगलाचरणों का साथ में करो काम बहुत अच्छे तरह से हो जाता है, इसलिए उसको मंगलाचरण कहते हैं। कहते भागवत का जो पहला श्लोक इतने महत्वपूर्ण मानो सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में ये पूरी भागवत को उन्होंने एक श्लोक में रख लिया। श्रील प्रभुपाद जब एक श्लोक को व्याख्या किए उन्होंने एक महीना तक ये श्लोक को व्याख्या किया। एक श्लोक में मान सब कुछ एक ही श्लोक में विद्यमान है। क्या उस श्लोक में क्या बताए, बोले जन्मादस्य जतोन्मयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिक्ख स्वराट तेने ब्रह्म हृदा जो आदि कवये मोहयन्ति जत सूरयो तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम् सत्यं परम धीमहि। प्रथम श्लोक में कहते सत्यं परम धीमहि, कहते जो परम सत्य को उन्होंने ध्यान किया है। लेकिन इसी विषय में बड़ा तर्क वितर्क है, बोले क्यों, कहते ये प्रथम श्लोक में किसका नाम नहीं है, इसमें केवल विशेषण केवल गुण गुण बताया। अभी जो जिस देवता को पूजा करते हैं वो उसी देवता को ये श्लोक में उसी देवता में लगाना शुरू कर दिया। जो भोले बाबा को पूजा करते हैं उस श्लोक को शंकर जी में लगाए, जे मैया देवी को पूजा करते हैं मैया देवी में लगा दिए, जिसने हनुमान जी को पूजा करते वो हनुमान में लगा दिया। लेकिन एक बल्हाचार्य हुए वैष्णव संप्रदाय में, वो कहते भैया ये श्लोक किसी देवा देवी के लिए नहीं, ये केवल श्री मां के लिए, हरि के लिए, ये केवल कृष्ण के लिए ये श्लोक है। बोले कैसे, प्रमाण किया, वो प्रमाण देते हैं कृष्ण जब माँ की पेट में आए देवकी गर्भ में उसी समय 33 करोड़ देवता एक साथ में गर्भस्तुति की। ये गर्भस्तुति का जो प्रथम श्लोक है, बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनि निहितं च सत्ये सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वं शरणं प्रपद्ये। ये सारे देवता कह रहे हैं, बोले परम सत्य कौन है, जो पहले जो सत्य थे अभी भी जो सत्य है बाद में जो सत्य रहेगा, जिनका भक्त सत्य जिनका धाम सत्य वो कौन है, बोले ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, ये भगवान श्री वाक्य बिहारी है। बोले श्री कृष्ण का नैया लाल की, बोले वो करते हैं क्या, बोले जन्मादस्य जत, बोले जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सर्वप्रथम इस सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण कराया, जिनकी माया ऐसे अद्भुत है, हम आगे जाकर के श्रवण करेंगे, जिनकी माया में ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए, जिनकी बछड़े सखाओं को चोरी की, जिनकी माया में स्वयं इंद्र मोहित होकर के जब भगवान कृष्ण गिरिराज उठाए, जिनकी माया में स्वयं इंद्र भी मोहित हुए और जिनकी चरण में आकर के माफी मांगी,
जिनकी माया से इंद्र चंद्र वायु वरुण जिनकी माया से मोहित तो हो जाते हैं, बोले ऐसे कौन, बोले भगवान जो कृष्ण हैं, हम सब के सब श्री कृष्ण का चरण में शरणागत होते हैं। लेकिन ये हमारे कुछ रस्सी की जो टीकाकार लोग, बोले भैया पहला श्लोक में क्या केवल कृष्ण की वंदना क्या ना और किसका नाम, बोले केवल कृष्ण को नहीं उसको साथ में से राधा जी का नाम है। जो सत्यम परम धीमहि भगवान की जो पराशक्ति कौन है, श्री राधा रानी। क्योंकि वो कहते हैं अकेले कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, राधा रानी को साथ में कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवनी मरणी गति श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, जो अज्ञानी वही केवल कृष्ण पूजा करते हैं। लेकिन जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं हो तब तक कृष्ण नहीं मिलते हैं। इसलिए वृंदावन में इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, किसका नाम लेते हैं वृंदावन में, सबके सब श्री राधा रानी का नाम वृंदावन में लेते हैं। बोले राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, एक हिंदी भजन सुने होंगे, वो कहते हैं, बोले राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे करनी चाहिए, अकेले कृष्ण नहीं। इसलिए एक समय कोई एक रसिक संत था, वो एक बड़ा सुंदर पद लिखा, वो पद ये लिखा हुआ था, मैं तो श्याम रंग में रंगी, बड़े सुंदर पद था। अभी बड़े बड़े वृंदावन में रसिकों को पास में वो पद गया, सब सुनकर बड़े खुश हुए, सचमुच से कृष्ण के ऊपर भी बड़ा सुंदर रंग पड़ता। लेकिन जब हमारे श्री जीव गोस्वामी श्रीमद महाप्रभु का एक भक्त के पास में वो पद पहुंचा, तब श्री जीव गोस्वामी एक श्लोक को उद्धृत करके भेज दिए। देखो श्लोक क्या था, वो श्लोक में था, बोले अनारथ राधा पदाम भोजरेणु अनाश्रित वृंदावनम तत अटवी असंभाषत भाव गंभीर चिता पुतः श्याम सिंधु रस श्यावगा। उस श्लोक में लिखा हुआ था, बोले तुम बोलते हो कृष्ण रंग में रंग गए, भैया इतना आसानी नहीं कृष्ण भक्ति पाना, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है। इसलिए एक भजन में गाए, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, उसमें एक बड़े सुंदर भजन है, बोले जमुना तेरी टेढ़ी गोकुल तेरो टेढ़ो टेढ़ो रे टेढ़ो तेरी जसोदा जैसे कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े है ना, उनको गोकुल भी टेढ़ी, उनकी लक्ष्मी भी टेढ़ी, उनकी जमुना वृंदावन सब गली भी टेढ़ी, सब टेढ़ी टेढ़ी। बड़े भैया वो टेढ़े टांग को पाना इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ वो टेढ़े टांग वाले को पा सकते हैं, एक उपाय है। बोले क्या उपाय है, बोले अगर तीन चीज को अगर आप आश्रय करोगे कृष्ण आसानी से मिल जाएंगे। बोले भैया वो तीन चीज क्या है, आप भी ध्यान देकर सुनो। बोले अनारथ राधा पदाम भोज रेणु
बोले जब तक श्री किशोर जी की चरण की धूल का आश्रय नहीं ग्रहण करोगे, बोले दूसरी नंबर की आप बोले राधा रानी की चरण के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम का जब तक आश्रय नहीं करोगे, और जो तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है बोले जब तक राधा जी की रसों में जो डूबे हुए संत हैं, जब तक ऐसे संतों का शरण नहीं लोगे जिसको पास में राधा जी की भक्ति होगी तब तो तुम राधा जी की भक्ति प्रदान करेगी, और जिसको पास में होगी नहीं तुम देगे कहां से। इसलिए सबसे बड़ी चीज बताए राधा जी की भक्ति रस में जो डूबे हुए सरोवर हुए जो संत हैं, भैया जब तक उनकी आश्रय ग्रहण नहीं करोगे ना भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण नहीं मिलेंगे, तभी कृष्ण मिलेंगे जब श्री किशोर जी की चरण की आश्रय ग्रहण करोगे। इसलिए प्रथम श्लोक में जुगल सरकार को प्रणाम किया है, और मंगलाचरण का जो दूसरी श्लोक है उसमें प्रतिज्ञा। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा है, कितने महिमा कथा की, जैसे सुचित्रा देवी, जैसे ये सनातन धर्म मंदिर में कथा हो रही है, उनने कथा करवा रहे हैं। अभी आप लोग कथा में नहीं आए, घर में बैठे हो, अभी कथा में नहीं आए, लेकिन आपको पता चला इस मंदिर में कथा भागवत कथा हो रही है, हम आज कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा। अगर किसी ने इतनी सी केवल हृदय में सोच लिया, सुतो गोस्वामी कहते हैं सद्य हृदय अवरुद्धते कृति भी सुश्रुषु भी तत्क्षणात्, केवल सोचने का साथ साथ कथा सुनने जाऊंगा नहीं तो जाऊंगी, उसी समय कृष्ण आकर के उसको हृदय में, जैसे एक व्यक्ति किसी घर को अंदर में घुस करके अपने आप को अंदर से कुंडी से बंद कर देते, ऐसे ही ठाकुर जी उसके हृदय में बंद जाते हैं, ठाकुर जी को निकलने का रास्ता नहीं मिलती है केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अगर सचमुच से कोई आए और कथा में बैठ जाए, कहते भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते, वो कितने बड़े महान व्यक्ति जो भागवत कथा सुनने के लिए आए। बोले भैया कथा कौन सुन सकते, बोले शुश्रूषु भी, सब नहीं सुन सकते, शुश्रूषु भी, शुश्रूषु भी मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ वही सुन सकते हैं। इसलिए शंकर जी पार्वती को कहते हैं अति हरि कृपा जा पर होए पाव दे इह संगत सोए। शंकर जी कहते पार्वती जिसको ऊपर में भगवान की विशेष कृपा हो वही व्यक्ति ही ये भागवत कथा को वही सुन सकते हैं। ये दूसरी श्लोक ये प्रतिज्ञा, बोले तीसरी श्लोक क्या है, बोले आशीर्वाद, ये हमें आशीर्वाद देता है, बोले भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबता भागवतम रसमालयम मुहुरा हो रसिका भूमि भावुका। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले हम जो कथा सुन रहे हैं ना, बोले कथा नहीं सुन रहे हो, बोले क्या कर रहे हैं, बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। बोले भैया कल्प वृक्ष का मतलब क्या, बोले जो मांगो सो मिलेगा, जो मांगो सो मिलेगा, जो मांगोगे कथा से वही मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज की सावधान करा देते हैं। बोले किस चीज की, बोले भैया मांगना भी तो सीखना चाहिए ना, हम मांगे क्या, ये चीज तो सीखो नहीं तो हम थक जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देकर समझाए, बोले कोई एक व्यक्ति का एक गैया थी, उसने धन कुबेरे की उपासना की, धन कुबेर जानते हैं कि स्वर्ग में कितने सारे धन दौलत की भंडार जिसको साथ पास में सारे धन दौलत का मालिक जो, उन्होंने उनकी उपासना की। अभी कुबेर जी खुश हो गए, बोले बता बेटा तेरे को क्या चाहिए, लेकिन बेचारा गरीब गैया पास में एक, बोले कुबेर जी हमें कुछ चुना भूसी घास दे दो ये गैया को खाने के लिए। कुबेर ने देखा कितने बेकुफ थे, अरे मैं तेरे को इतने धन दौलत संपत्ति दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटे के बेटे भी खा, तब भी खत्म नहीं होगा, लेकिन कुबेर को पास में क्या मांग रहे हो। बोले
चुना भूसी मांग रहे हो। मतलब क्या है, ये भागवत तो सब दे सकती हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है बेटा बेटी की शादी करा देंगे, जिनकी दुकान मकान नहीं मांगो दुकान मकान मिल जाएगी, जिनकी काम धंधा नहीं काम धंधा दे देंगे, हैं जो रोगी उनको निरोग प्रदान करेंगे, जिसकी संतान नहीं संतान दे देंगे, सब कुछ भागवत दे सकता है। लेकिन अगर ये अगर चीज मांगो ना, जैसे वो ब्राह्मण ने गैया के लिए चुना भूसी मांग लिया, वैसे चुना भूसी मांग लिया, ये सब चीज मत मांगो, ऐसे एक चीज मांगो, जो एक चीज मांगो तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। बताओ तो वो कौन सा चीज है, बोलो कौन बोलेगा, कौन है, जोर से बोलो, भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति, ठाकुर को सेवा। इसलिए ये चीज हनुमान जी से सीखनी चाहिए, जब माता सीता को उद्धार करके ले आए, राम हनुमान को ऊपर बड़े खुश हुए, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता है ना, ये माता सीता का उद्धार होना बड़ा कठिन था। इसलिए हनुमान आज तुम मेरे पास में जो कुछ मांगोगे हम सब इच्छा को पूरी कर देंगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। देख हनुमान जी क्या मांगते हैं, बोले बार बार बर मांगो हर श्री देहो श्री रंग पता सरज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। बोले प्रभु आपकी चरण में बारंबार एक चीज की प्रार्थना करता हूँ, हमें आपकी चरण में अहित की भक्ति और उस संतों की संग और भगवान की भक्ति हमें प्रदान करो। इसलिए देखो हनुमान जी को सारा दुनिया को भक्ति प्रदान करते हैं और जगत में सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही है। इसलिए यदि ये भागवत तो कल्प वृक्ष है, लेकिन उनसे भगवान की भक्ति और प्रेम चीज मांगो, जो मांगने से जीव को जीवन में सब चीज मिल जाएगी। इसलिए बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम, बोले ये भागवत क्या है, बोले वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। बोले एक में तो पका हुआ फल है, फिर दूसरे में बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, फिर ये जब शिशु सिद्ध सुखदेव गोस्वामी के मुंह से जब ये कथा निकली तो उसमें और भी ज्यादा स्वाद आ गया, टेस्ट आ गया। बोले कारण क्या, बोले कारण है ये जो सुखदेव गोस्वामी कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण तोता नहीं, बोले ये तोता कौन है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, बोले राधा रानी की तोता है, जो निकुंज महल में राधा जी के निकुंज महल में जो रहने वाले राधा रानी कभी कभी इनको कृष्ण रूप मान करके चुंबन करती थी, जब चुंबन करती थी राधा जी की जो अधरा मृत ये तोते के थोंट में लगा हुआ। इसलिए हम आगे सुनेंगे जहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, 100 साल की 200 साल की 500 साल की 1000 साल की बैठे हुए थे सबके साथ, हैं 1000 साल की जो सुखदेव गोस्वामी के पिताजी की पिताजी की पिताजी के पिता बैठे हुए थे वहां पर। लेकिन ये कथा जब सुने ना, नंगे धड़ंगे शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, और वहां पर दाढ़ी जटाजूट धारण करने वाले इतने बड़े बड़े संत बैठे हुए, लेकिन ये कथा जब सुनते हैं सबसे छोटे बच्चे से, कहीं 12 साल कहीं 16 साल बताया गया, सबसे छोटे बच्चे से ही कथा सुने। बोले क्यों, बोले जो सुखदेव गोस्वामी कहते राधा रानी की ये प्रिय सुख है, राधा जी के निकुंज की महल में रहने वाले राधा रानी की सारे लीला को जिन्होंने दर्शन किया है और राधा जी की अधरा मृत लगी हुई, इसलिए उनकी कथा में बड़ा मीठा था, बड़ा मीठा था। इसलिए राधा शब्द को अगर उल्टा दो क्या होगा बताओ तो, राधा शब्द को उल्टा दो क्या होगा, धारा है। बोले ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की जो धारा है ना, ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की, इसलिए बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, ये सुखदेव गोस्वामी की मुंह से निकली, इसलिए क्या करो, बोले पी बतम, बोले पियो, बोले क्या करो इसको पियो। बोले आप तो पहले बताया ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है,
आप लोग बताओ तो फल को खाते हैं ना फल को पीते हो? बताओ, आप लोग बताओ, फल को खाते हैं ना फल को पीते हैं? खाते हैं, लेकिन यह कहते हैं फल को पियो, बोले ये ऐसे के फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका भी नहीं, केवल जिसमें रसी रस है। और देखो, जब कोई चीज को हम पीते हैं वा खाते हैं, बताओ किधर से पीते हैं वा किधर से खाते हैं? बोलो, मुंह से। कोई चीज का जब पीते खाते हैं किधर से? मुंह से। लेकिन अभी भी हम रस को पान कर रहे हैं, बोले किधर से पी रहे हैं? किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती है। बोले भैया कानों और मुंह में पीने में का फर्क क्या है? देखो ये चीज को समझो, आप कोई भी चीज आप मुंह से पियो नहीं खाओ, वो नीचे निकलेगा, आप अंदर में रख नहीं सकते, वो नीचे निकलेगा। लेकिन कोई चीज को कान से पियो तो वो कभी निकलेगा? वो कभी नहीं निकलेगा। इसलिए कहते कृष्ण भक्ति रस को वो मुंह से नहीं पी जाती है, किधर से पी जाती है? कानों से पी जाती है। बोले भैया पीते तो है लेकिन निकल जाती है, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारी छिद्र है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमारे अंदर में छिद्र ही छिद्र है, सब निकल जाती है। अभी क्या करनी चाहिए? अब से एक मैं प्रश्न करता हूं, मैं देखूंगा ये प्रश्न का उत्तर कौन दे पाता है। जैसे एक मटका है, वो मटके में छेद ही छेद है, अगर उसमें पानी डालो ना वो पानी सब निकल जाएगा, सब के सब निकल जाएगा। बताओ तो ऐसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितने छिद्र क्यों नहीं हो लेकिन पानी डालोगे ना एक बूंद भी नहीं निकलेगा? जो सुने वो बता दे, जो सुने नहीं बता सकते हो, उसमें छिद्र ही छिद्र है, पानी डालो तो एक बूंद नहीं निकलेगा, ऐसे कोई उपाय है? ऐसे कोई कौन सा उपाय है बताओ, बताओ। हाँ बाबा ने सही, आपको पता, आपको समझ ही आया कि नहीं? अगर वो मटका को अगर आप पानी में डुबो करके रख लोगे ना, भले ही उसमें जितने छिद्र क्यों नहीं हो, वो एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं मुंह रहो, मतलब क्या, अगर हर समय हम भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में अगर हर समय हम डूबे रहेंगे, भले ही हमारी अंदर में जितने काम क्रोध लोभ क्यों नहीं हो, हमारी कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। जैसे देखो, जैसे हम कथा रस में भी डूबे हुए हैं, सबका हृदय में काम क्रोध लोभ है, लेकिन कोई काम क्रोध लोभ किसको सता रहा है क्या? कोई किसी चीज की याद, किसी चीज की याद नहीं, लेकिन केवल ये कथा रूपी गंगा से आप बाहर निकलो, केवल ये गेट से बाहर निकलो ना, आप देखना जितने काम क्रोध लोभ सब के सब आकर के सर के ऊपर बैठ जाएंगे। इसलिए कहते भैया मुंह रहो, हर समय क्या करो, भगवान की भक्ति रस में डूबे रहो, फिर तो ये काम क्रोध तुम्हारी कुछ भी नहीं कर सकता है। सबके सब अगर हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण, सबके सब बोलो, कोई बोल नहीं रहे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलिए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले ओम नमिसे अनिमिसे क्षेत्रे ऋषयः सनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये घोर कलयुग आया है, अभी ये कलयुग से डरते हुए ये सनकादि ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास मिले। बोले पितामह ब्रह्मा जी, अभी ये कलयुग से हम बच्चे कैसे? बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो बड़ा पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो, तुमको ये
कलयुग को व्याप्त नहीं करेगा, वो चक्र जा करके गिरा नवमी सारे में। नवमी सारे में गए हैं कौन कौन? नवमी सारे में गए जो लोग गए होंगे देखे होंगे, वो चक्र एकदम पाताल में चली गई और 24 घंटा वहां पर पानी निकलती रहती है, हैं? वहीं पर चक्र गिरा, वहीं पर ये सौनकादि ऋषि लोग हजार सालों से वहीं पर भजन तपस्या कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे और वहां पर यज्ञ कर रहे थे। लेकिन ये यज्ञ करते 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 उनको हृदय तक भी जल गई, लेकिन कोई उनको शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी आए, ये उग्र सभा सुत है। जब श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए तब उन्होंने उनको आसन दे करके बैठाए, चरण धोए और उनको बैठा करके उनको प्रणाम किया, बोले आज हमारे अहो भाग्य है, आज हमें संत दर्शन हुआ है। क्योंकि जीवन में जब किसी संतों का दर्शन हो जाए, कहते संतों का दर्शन कब होता है? जब जीव की सारे बंधन नष्ट हो गया, संसार में और कोई दुख कष्ट नहीं मिलेगा, भगवत इच्छा से जीवन में साधु पुरुषों का दर्शन होता है। जिसके लिए श्री जब हनुमान जी को साथ में विभीषण की साक्षात्कार हुई, जब विभीषण को पता चला हनुमान जी कौन है, बोले भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी। इसलिए विभीषण क्या कहता है, आज मोय भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा बिना मिले नहीं संता, जो रघुवीर मय अनुग्रह किनी तो मई दर्श दिन। आज लगता है मेरे ऊपर में भगवान राम की कोई विशेष कृपा हुई, जो कि आज हमें भगवान के सबसे प्यारे भक्तों का दर्शन हो गया। इसलिए जब भक्तों का दर्शन हो जाए समझो हमारी भाव बंधन नष्ट हो गया है। इसलिए उन्होंने श्री सुत गोस्वामी को बैठा करके सौनकादि ऋषि लोग कहते हैं, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुपद्रुता। बोले हे सुत गोस्वामी, ये कलयुग में प्राय करके लोगों का जो परमायु बहुत कम है, सत्य युग में इनका परमायु था 1 लाख, लेकिन जब त्रेता युग आ गई 1 लाख से 1 शून्य हटा दो हो गया 10,000। अभी जब त्रेता युग में हो गया 10,000, जब द्वापर युग आए वहां से 1 शून्य हटा दो हो गया उसमें 1,000, लेकिन जब कलयुग आ गया वहां से 1 शून्य हटा दो हो गया 100, लेकिन जब घोर कलयुग आएगा ना 100 से और 1 शून्य हटा दो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि हर चीज हाइब्रिड से बन रही है, कोई चीज आपको प्योर अभी चीज नहीं मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे लोगों का परमायु धीरे धीरे, पहले था 100, अभी 100 से हटते हटते 80 हो गया। अभी धीरे धीरे विशेष विशेष कोई व्यक्ति जिंदा रहते हैं, फिर धीरे धीरे 70, ऐसे करते करते 10 साल में आ जाएगा। और इतने छोटे छोटे हो जाएंगे बैगन भी तोड़ नहीं सकते, बैगन भी तोड़ नहीं पाओगे। इसलिए बोले कलयुग में प्राय करके लोगों का परमायु कम है। फिर कलयुग में बोले मंदा सुमंद मतयो, कलयुग जीव का जो मति है वो स्वाभाविक रूप में गंदी चीज में जाती है। फिर वैसे तो गंदी चीज में जाती है, अभी ये टीवी आ गया, पहले टीवी भी कुछ नहीं होता था। इसलिए लोग क्या करते थे, गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। लेकिन अभी टीवी, फिर इंटरनेट आ गया, फिर ये स्मार्टफोन आ गया, फिर ये तो फिर एकदम पूरा के पूरा, ये स्मार्टफोन और मोबाइल ये तो पूरा के पूरा बिगाड़ दिया सबके सब, दुनिया को पूरा के पूरा बिगाड़ दिया चीज। इसलिए कहते घोर कलयुग में, कहते फिर बोले झुपद्रुता। बोले झुपद्रुता मतलब क्या है? बोले अगर पत्नी थोड़ी सी सत्संग में आए, अगर थोड़ी सी भगवान की भजन अगर माला जप करना, पति लोग क्या बोलेंगे? बोले कौन सा बाबा के चक्कर में तू पड़ गई, हाँ? पहले बोलती थी घुमाने ले चलो, सिनेमा चलो, अभी तो समय होते बोलो सत्संग में चलो, भगवान की कथा में। अगर पति अगर किसी कारण से सत्संग में उनकी मन बदल गया, पर माताएं भी उनको भजन करने नहीं देगी, हैं? अगर बच्चे अगर किसी तरह से संतों की संग से अगर थोड़ी सी कट्टी माला तिलक पहन लिए, बोलेंगे ये कोई तरह उम्र है, अभी अभी से क्या तिलक माला कट्टी अभी से क्या सुधारण कर रहे, ये कोई अभी तरह उम्र है। लेकिन अगर सिगरेट फूंके शराब पिए, बोले वेरी गुड,
बच्चा बड़ा एडवांस हो रहा है क्योंकि शराब पी रहा है ना, सिगरेट भूख रहा है, जुआ खेल रहा है, मतलब बच्चा तो बड़ा अच्छा रास्ता पर जा रहा है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में अगर लग जाए ना, बोले भैया कोई उम्र है तेरा, ये कोई भजन करने का कोई उम्र है तुम्हारी, मतलब ये कलयुग में इतने उपद्रव है, कहते भैया ये कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। तब श्री सुतो गोस्वामी ने सौनकाद ऋषि ने सुतो गोस्वामी को 6 प्रश्न किया है, और जो 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये पूरी भागवत 6 प्रश्न का उत्तर आज मैं बताऊंगा। ये 6 प्रश्न किया है, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? जो बोल पाएगा ना 6 प्रश्न किया उसको मैं कल इनाम दूंगा, इसलिए आप लोग ध्यान देकर सुनो। 6 प्रश्न किया है और ये भागवत ये 6 प्रश्न में पूरा आधारित है। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, क्योंकि जीवन में हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए, सुख के लिए, पढ़ाई भी, लिखाई, नौकरी, चाकरी, घर, दुकान, मकान, जो कुछ करते हैं जीवन में हमें शांति सुख मिले। लेकिन आप एक चीज को प्रैक्टिकल रूप में देखना, अगर सामने एक समस्या, हम कोशिश करते हैं किसी तरह से एक समस्या दूर हो जाए ना हमें शांति मिलेगी, लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने 2 समस्या है। किसी तरह से सोचते हैं भैया 2 तरह का समस्या दूर हो जाए शांति मिलेगी, देखना 2 समस्या तो गई नहीं, 3 समस्या। ऐसे करते 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 जीवन बीत जाती है। हम सुख जीवन में कभी आती नहीं, सुख हम सुख किसको मानते हैं, केवल दुख का प्रतिकारक सुख मानते हैं, शायद ये होने पर सुख मिलेगी, लेकिन जिंदगी भर कभी दुख का प्रतिकार हो नहीं पाता। इसलिए हमारे ब्रह्म सूत्र का जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है, हैं? इसमें 3 बार आया है, अथह अतः ब्रह्म जिज्ञासा, बोले मतलब क्या है, बोले अतः मतलब होता है हम जीवन में सबके सब सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, लेकिन सुख कहाँ ढूंढते हैं, कहाँ सुख ढूंढते हैं, बोले जहां सुख नहीं वहीं पर ढूंढते हैं, बोले कहां पर, बोले संसार में। हम स्वयं सोचते से संसार में सुख मिलेगा, लेकिन कृष्णा जिसने दुनिया को बनाया वो स्वयं कहता है ये संसार दुखालय, ये दुख का घर है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पुत्र से दुखी, कोई बेटा से दुखी, ये संसार तो नश्वर है, ये संसार तो अनित्य है, पर ये अनित्य वस्तु तुम्हें कैसे नित्य वस्तु को दे सकता है, बोले फिर सुख मिलेगा कैसे, बोले ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक ये जीव प्रभु की शरण में नहीं जाए तब तक ये जीव को कभी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारी एक भ्रम धारणा, अगर ज्यादा पैसा अगर कमा लेंगे तो सुख मिल जाएगा, भैया रावण जैसे पैसा कुछ कमा सकता है, जिसकी लंकाई सोने की, डाइनिंग रूम सोना, किचन रूम सोना, बेडरूम सोना, सोना ही सोना है, पूरा लंका जिसकी सोना है। हम सोचते हैं किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए सुख मिलेगा, उसका पत्नी का नाम ही थी मंदोदरी, मंदोदरी मतलब क्या है, मंदर मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, वो विश्वकर्मा की बेटी थी, विश्वकर्मा ने सारे सद्गुण दे करके उसी समय वो विश्व सुंदरी थी, उसी समय में उसकी पत्नी फिर सीता को उठा करके ले गया। सोचते हैं अच्छा अगर लड़का हो जाएगा सुख मिलेगा, मेघनाद जैसे बच्चा, इतने पिता की आज्ञाकारी, मतलब जब हनुमान को वहां पर लेकर गए ना, देखा रावण प्यार को नीचे ताल को प्यार दबा करके बैठा हुआ, जितने ग्रहों को बांध करके रखा, देखा हनुमान जी अपना पिता को देखा घर में झाड़ू लगा रहा है, अग्नि को देखा घर में कपड़ा धुलाई कर रहा है, ब्रह्मा को देखा उसको वेद सुना रहा है, इतनी उसको पास में ऐश्वर्य, इतने प्रताप, लेकिन ये लंका में भी उसको चैन में नहीं, बेचैन में रहता था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था और वहां पर सब बेचैन से रह रहे थे। आप बता सकते हो एक व्यक्ति कौन चैन से रह रहा था, जोर से बोला, बाबारे सब पंडित यहाँ पर बैठे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस विभीषण वो प्रभु राम की शरण में विभीषण था, प्रभु राम का शरण लिया था, हैं? इसलिए जो लंका को पाने के लिए रावण ने 10 बार सर काट करके दे दिया था,
कितनी कठोर तपस्या की, लेकिन देखो ठाकुर का शरण में कितना महत्व। लेकिन विभीषण जब प्रभु राम की शरण में आ गए, अभी प्रभु राम रावण को मारे ही नहीं, केवल राम का चरण में उन्होंने एक बार प्रणाम कर लिया, उसी समय भगवान राम ने उसको राज तिलक लगा दिया, उसी समय राज तिलक लगा दिए, बोले आज से तुमने रात लंका का तुम राजा बन गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर ठाकुर जी की शरण में अगर हम आ गए ना, सब कुछ हमें मिल जाएगा। जो संपत्ति को पाने के लिए दूसरे दूसरे व्यक्ति कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन केवल प्रभु की शरण में आ जाओ, बस ठाकुर अगर कृपा कर दिया ना, जा पर कृपा हरि की वही ता पर कृपा करे सब कोई उसको ऊपर में। इसलिए इनका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है, तीसरा प्रश्न है हमें कृष्ण का कथा सुनाओ, लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर, वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं पूर्णतम है। इसलिए हमें द्वारका, मथुरा और वृंदावन ये तीनों कृष्ण की कथा सुनाओ। जो चौथा प्रश्न है, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। केवल कृष्ण कथा नहीं, भगवान राम कैसे रावण को मारे, भगवान वामन कैसे बलि महाराज को कृपा की, नरसिंह अवतार में कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप को बध करके प्रह्लाद को रक्षा की, कैसे मत्स्य अवतार में वेद को उद्धार किए, कुर्मा अवतार में मंदराचल पर्वत को कैसे पृष्ठ पर धारण किए, हमें उनके सारे अवतारों की कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की जो अद्भुत जो जस है, जो महिमा है, हमें उसकी महिमा सुनाओ। जो छठवा प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, अभी धर्म ये कलयुग में कहाँ पर उन्होंने आश्रय ग्रहण किया, हमें इसका उत्तर दो। उनने जब ये छह प्रश्न की, अब ये छह प्रश्न को सुन करके श्री सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले क्यों, जब ये प्रश्न कोई ये दुनियादारी कोई प्रश्न नहीं, ये भगवत संबंधी प्रश्न है। इसलिए शिक्षा देते जो संत है ना, अगर उनको पास में जाओ, अगर प्रभु की बार में पूछो, ठाकुर जी को बार में पूछो, बड़े खुश होते हैं। क्यों, जो संत हैं वो हर समय प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भजन में डूबे रहते हैं, ये दुनिया की बात उनको अच्छी नहीं लगती है। बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के बोले देखो, पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करते हुए फिर तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहले उन्होंने गुरु जी के चरण को प्रणाम करते हैं, बोले बंदा गुरु पद पदो मां परागा, बंदा गुरु पद पदो मां परागा, बंदा गुरु पद पदो मां परागा, बंदा गुरु करते हैं। कृष्ण खुद कहते हैं, प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव मार्जनम, सबसे पहले गुरु जी की प्रणाम करते हुए भगवत पूजा करनी चाहिए। इसलिए कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दिए, पहले गुरु जी उसको बाद में कृष्ण वंदना करनी चाहिए। बोले मेरे गुरु जी कौन है,
बोले मेरे गुरुजी साधारण नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, जो निकलना नहीं चाह रहे थे मैया के पेट से, इतने में उनको पिताजी ने कहा मैया को क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, निकल करके आ जाओ। बोले देखो ये माया के संसार है, मातृ गर्भ में हर जीव कसम खाता है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन जब जन्म लेता है ना सब कुछ भूल जाता है। कहते मैं माया को हटा देता हूँ, बोले आप नहीं हटा सकते हो, जो मायापति कृष्ण ही हटा सकते हैं। जब कृष्ण आकर के माया को हटाए, श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की, लेकिन ये जन्म होते ही वो संन्यास लेकर के चले गए। उसी समय प्यास थे वो पीछे, हा पुत्र करते करते जा रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, बोले कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है, संसार झूठा है, कोई किसका बेटा कोई किसका पिता है नहीं। तब श्री सुत गोस्वामी कह रहे थे मेरे जो गुरु है ना, ये लता पता वृक्ष में भी मेरे गुरु जी का विद्यमान है, जब मेरे गुरु जी सब जगह में विद्यमान है, गुरु जी मेरे हृदय में भी विद्यमान हो जाए और इनकी प्रश्न का उत्तर जब मैं जैसे दे सकता हूँ। तो उन्होंने उनकी प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न क्या था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो उन्होंने एक श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। ये जो श्लोक है ना बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, हो सकता है ये श्लोक को हम लोग याद कर लेना। बोले सबई पुंसांग पर धर्म जत भक्ति रथोक्षजे आहै तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। बोले सबई पुंसांग परो धर्म, कहते जीव मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, एक तो होता है व्यवहारिक धर्म और एक होता है दैहिक धर्म और एक होता है परधर्म। ये संसार का जितना कर्तव्य है ये व्यवहारिक धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, बोले भगवान को प्रेम करना भगवान को भक्ति करना यही जीव का परम धर्म है। लेकिन संसार में जो काम है ये कर्तव्य, जैसे पिताजी की सेवा करना, माँ की सेवा करना, परिवार के साथ, ये कर्तव्य है लेकिन ये धर्म नहीं, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव वो ईश्वर का अंश है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं मम इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भगवान के अंश है, ये सनातन है। और भगवान की अंश हो तो इसका कर्तव्य क्या, बोले ईश्वर की आराधना करना, भगवान को भक्ति प्रेम करना यही जीव का परम धर्म है। लेकिन हम लोग सबके सब भगवान की भक्ति को भूल चुके हैं, इसलिए महाप्रभु को श्री सनातन गोस्वामी दो प्रश्न किया था। इनका पहला प्रश्न था के आमी, मतलब मैं कौन हूँ। दूसरी प्रश्न थी हम कोई तो दुख को घर में बुलाते नहीं, लेकिन ये बिना बुलाए ये दुख क्यों आता है। तो महाप्रभु इसको उत्तर दिए थे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कि जीव का जो असली स्वरूप है हम सब के सब भगवान के नित्यदास है, लेकिन ये दुख का कारण क्या है, बोले चूंकि हम भगवान को भूल गए, इसलिए भगवान की जो बहिरंगा शक्ति माया ने ये संसार रूपी कारागार में हमें डाल दिया। अगर इससे निकलना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, बोले ठाकुर के चरण में फिर शरणागत हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, उनकी शरण में ही जीवन में परम शांति परम आनंद केवल ठाकुर जी की शरण में ही मिलेगा। इसलिए सबके सब एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने दो उदाहरण दिए हैं। बोले पहला नंबर जो भक्ति
निष्काम होकर के करनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम। प्रभु हमें इसी संसार का किसी चीज की जरूरत नहीं, धन जन पुत्र परिवार। बोले मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति अहितुकितोई, आपकी चरण में हमें अहितुकी भक्ति अहितुकी प्रेम चाहिए। अगर ऐसे अगर प्रभु जी की भक्ति करते हैं ना, तभी जीवन में जीव को परम शांति तभी प्राप्त होगी। उनका जो दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति के सबसे सरल उपाय क्या है, तो सुतो गोस्वामी कहते हैं, बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकूत भयम् योगिनाम नृप निर्मित हरि नामानुकीर्तन। बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम ग्रहण करो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले कली योग के बलना आधार, कली योग के बलना कलयुग के बलना आधार, कलयुग के बलना आधार। सुमेरी सुमेरी मरा उतरणी थारा, सुमेरी सुमेरी मरा तपस्या कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कलयुग में केवल ठाकुर का नाम को जप करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, भगवान के अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद गोपाल भगवान के अनंत नाम है। बोले निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान कलयुग में अपना नाम में सारे शक्ति को रख दिया। इसलिए कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है। फिर नियमित स्मरण काल, महाप्रभु ये नहीं बताए जब केवल आप पवित्र हो तभी मेरे नाम को ले सकते हैं, अपवित्र अवस्था में नहीं ले सकते। महाप्रभु ये भी नहीं बताए, मतलब पवित्र अपवित्र हर अवस्था में भगवान का नाम को हम जप कर सकते हैं। इसलिए देखो एक सुंदर कथा सुनो, बोले एक समय श्री नारद जी किसी तेली से मिले। वो तेली दिन भर के बोले पैसा 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 कमाने में लगा हुआ था। नारद जी बोले भैया ये इतने दुर्लभ शरीर तुमको ठाकुर ने दिया, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार जीवन मिला, और ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की द्वार है, मुक्ति की द्वार भगवान तुम्हें दिए, इसी जीवन में ही भगवान की भक्ति करके ये संसार से उद्धार हो सकते हो। और सुलभम भगवत नाम, भगवान के नाम लेने के लिए ठाकुर ये नहीं बताए मेरे अगर नाम लोगे इतने पैसा लगेगा, ठाकुर जी ये भी नहीं बताए। और जिह्वा च वशवर्ती न, मतलब ये जिह्वा हमारी बस में है, ये जिह्वा को जो बोलो वही करता। अगर भगवान के नाम करने के लिए बोलो नाम करेगा, दुनिया की बात करने के लिए बोलो दुनिया की बात करेगा। बोले जिह्वा च वशवर्ती न, ये जिह्वा भी हमारे वशीभूत है। बोले तथापि नरकम जानती, तब भी ये जीव नरक जाता है, ये बड़ा आश्चर्य बात है। इसलिए नारद जी समझाए वो तेली को, तो दिन भर पैसा पैसा के चक्कर में लगे हुए हो, प्रभु ने इतने दुर्लभ शरीर दिया, और थोड़ा भगवान का नाम तो जप करो। बोले मेरे पास में समय कहाँ है, मेरे पास में समय नहीं। बोले दिन भर में समय होता नहीं। बोले हाँ समय तो मिलता है, लेकिन जब मैं शौचक्रिया में बैठता हूँ ना, जब पायखाना करने जाता हूँ तभी मेरे पास में समय, नहीं तो कोई समय नहीं। नारद जी ने कहा भैया कोई बात नहीं, जब शौच क्रिया में जाओ तभी तो भगवान का नाम लो। अपवित्र होकर के
बोले कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो। इतने में वो तेली जब शौच क्रिया में बैठने के लिए गया ना, बोले रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति सबसे पहले हनुमान वहां पर पहुंचते। हनुमान जी ने सोचा मेरा कोई गुरु भाई होगा जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है। इतने में श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, देखा गुरु भाई कोई नहीं, वो दुष्ट तेली दिन भर पैसा पैसा चक्कर में लगा हुआ और ये अशौच अवस्था में पायखाना करने के लिए बैठा, और रघुपति राघव राजा राम। हनुमान जी को तो बड़ा क्रोध आया, उसने एक लात मारी उसके ऊपर भी, लेकिन वो व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, वो इधर उधर होकर फिर चुपचाप बैठ गया। अभी हनुमान जी शाम को जब प्रभु की चरण की सेवा करने के लिए पहुंचे, देखा भगवान राम बिस्तरा में छटपट छटपट कर रहे थे, आह कर रहे थे। बोले प्रभु लगता है आपका शरीर में बड़ा दर्द है। बोले हाँ। बोले कैसे हो गया? बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने मेरे को लात मार दी। बोले प्रभु किसको इतना हिम्मत मेरे प्रभु को लात मारी, बताओ हनुमान कौन है? नहीं, वो बंदर कौन है? ये पृथ्वी को मैं बंदर शून्य कर दूंगा, बताओ बंदर कौन? बोले उसका नाम नहीं बताया जाएगा। बोले प्रभु बताओ ना। बोले उसका नाम वीर हनुमान। बोले वीर हनुमान नहीं, मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ आपको लात मारने का बात। प्रभु आप कैसे बात करते हो? बोले हनुमान तेरे जैसे एक मुक्के को रावण जैसे व्यक्ति सह नहीं पाया, बेहोश हो गया। तुमने जब वो तेली को लात मारी उसकी कुछ हुई? बोले प्रभु में तो यही सोचा, वो इधर उधर होकर के फिर चुपचाप बैठ गया। बोले हनुमान हरि से बड़ा हरि का नाम है, जो व्यक्ति मेरे नाम ग्रहण करता है मैं नाम को साथ में वो ही रहता हूँ। जब तुमने लात मारी ना मेरे पीठ के ऊपर लगा, क्योंकि नाम रूप में मैं वही रहता। इतने में हनुमान जी कान पकड़ लिए, बोले प्रभु भविष्य में कभी ऐसे मेरी भूल नहीं हुई, कभी मैंने कभी भूल नहीं करूंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, भगवान निज सारे शक्ति को अपना नाम में ठाकुर धार दिया। उन्होंने ये नहीं नियम नहीं बताए, पवित्र अपवित्र का कभी विचार नहीं किया। देखो ध्यान देकर सुनो महाप्रभु क्या कहते हैं, कलयुग में मैंने इतने आसानी कर दिया, इतने सरल कर दिया, लेकिन तब भी ये कलयुग का जीव हरि नाम नहीं करता है। इधर उधर बैठ करके उसकी बात, उसकी चुगली, उसकी बहू की बेटी की बात दिन भर करते रहेंगे। अगर बोले भैया के माला कर, बोले समय का। इसके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भैया पर ये कलयुग में अगर तुम्हारी उधार नहीं होगी, इतने मैंने सरल उपाय रख दिया, फिर तो करोड़ों युग में तुम्हारी कोई उद्धार होने का चांस नहीं, करोड़ों जन्म भी तुम्हारी उद्धार नहीं होगी, हैं? इसलिए श्री रूप गोस्वामी एक अच्छी बात कहते हैं। अब ध्यान देकर सुनो वो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं उसी समय में उसका तीन काम होना शुरू हो जाता है। कितना काम? उसका तीन काम होना शुरू हो जाती है। बोले पहला काम किया, बोले नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। बोले चित्रगुप्त कौन है? गुप्त मतलब होता है छुपा करके, चित्र मतलब फटो। हम जो कुछ कर रहे हैं ये चित्रगुप्त सारे फटो हमारे ले रहा है। मरने के बाद जब कापी खुलेगा जीवन में कितने पाप पुण्य निकलेगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति हरिनाम करना शुरू करता है, चित्रगुप्त को जब महाराज बोलते रजिस्टर ले जाओ, और रजिस्टर ला करके वो जो व्यक्ति नाम ले रहा है ना उसका नाम को काट दे।
मतलब वो कभी अभी नरक नहीं आ रहा है, क्योंकि ठाकुर का नाम जप कर रहा है। और गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले इसका नाम रजिस्टर में लिख दो, इसका नाम रजिस्टर में लिख दो। बोले क्यों? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, वो गोलोक वृंदावन आएगा, वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन आएगा। और ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती का थाली सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, वो जरूर गोलोक वृंदावन भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते करते जरूर वो गोलोक वृंदावन जाएगा। जब वो गोलोक वृंदावन जाएगा उसी समय रास्ता में उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको रास्ता में मैं आरती उतारूंगा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर देते हैं उनको ये तीन काम करना होना शुरू हो जाता है। अब याद रहेगा, मैं कल पूछूंगा तीन काम क्या होगा। जब महाराज जम दूतों को बोलेंगे इसका नाम काट दो, दूसरा काम क्या होगा, गोलोक वृंदावन में राधा रानी रजिस्टर में इसकी नाम को लिख देंगे, तीसरा काम क्या होगा, ब्रह्मा जी उसको रास्ता में आरती उतारने के लिए आरती थाला उसको सजाना शुरू कर देंगे। रूप गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं इतने महिमा नाम जप करने का। इसलिए कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय रखे, भगवान के नाम जप करो। अब देखना, ध्यान देकर सुनो, अब देखना एक व्यक्ति अच्छी बात कह रहे थे। जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, ध्यान देकर सुनो, जब कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब क्लास फाइव आता है ना, बोले भैया अगर क्लास फाइव को पार कर लिया बात सब बढ़िया हो जाएगा। बच्चा क्लास फाइव को पार कर लिया, बोले भैया क्लास फाइव तो सब पास करते हैं, लेकिन क्लास जो टेन है अगर उसको बढ़िया नंबर से अगर पार हो गए तो बढ़िया हो जाएगा। अभी क्लास टेन को भी पास हो गए, उसको बाद में फिर जब ट्वेल्व में आता है, बोले देखो अगर ट्वेल्व क्लास को अगर बढ़िया नंबर से अगर पास कर लिया ना, उसको बाद में सिलेक्शन होगा, तुम सीए करोगे ना, इंजीनियर करोगे ना, डॉक्टर करोगे। इसलिए जो बारहवीं जो क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, बच्चा जी जान लगा देता है बारहवीं क्लास को पास करने के लिए। जब बारहवीं क्लास पढ़ लिया, बोले सब दुनिया तो बारहवीं क्लास पास करते हैं, बोले फिर बोले कोई एक सब्जेक्ट के लेकर पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर डॉक्टर। जब कोई इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, बोले दुनिया तो करते भैया नौकरी ढूंढो, अभी नौकरी ढूंढा, जब नौकरी किया बोले दुनिया नौकरी करते हैं, अभी शादी की तैयारी करो। जब शादी नहीं करोगे किसी लिए इतना लिखाई पढ़ाई कर, शादी के लिए ना, शादी कर लिया, शादी के बाद में बोले दुनिया तो शादी करते भाई बच्चे जन्म दो, अभी बच्चे को जन्म दिया, कल दुनिया तो बच्चे जन्म दे तो उनको पालो, लिखाई पढ़ाई सीखाओ, लिखाई पढ़ाई किया। बोले उसको बाद में बच्चे को शादी करवाओ, फिर बच्चे को शादी करा दे। देखना दुनिया करते 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 पूरा जब जीवन बीत जाती है, लेकिन जब शरीर छूट जाती है, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना। जब शरीर छूटता है बोलते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात होता है। बोले बेटा तुमने जितने क्लास फाइव को पास किया, जितने तुमने टेन को ट्वेल्व को पास किया, जितने तुमने सीए डॉक्टर इंजीनियर बना, जितने तुमने बच्चे जन्म दिया, दुकान मकान बना, सब झूठा है। अभी तेरे साथ में जितने हरि का नाम तुमने भजन किया, जितने तुमने कृष्ण नाम जप किया, अभी तेरे साथ में वही जा रही है, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी रो रो कर दरवाजा तक चली के आगे नहीं जाएगी, परिवार तेरे साथ में शमशान तक चलेंगे, आगे कोई चलने वाले नहीं, आगे क्या काम देगा। बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लास्ट में प्रभु का नाम ही साथ में जाएगा और कोई चीज साथ में हमारी जाएगी नहीं। इसलिए क्या करो, जीवन रहते रहते क्या करो, भगवान की नाम जप करना शुरू करो, ठीक है ना। सवेरे उठ करके नाम धोकर के भगवान की नाम जप करो, क्योंकि ठाकुर का नाम ही साथ में जाने वाले हैं। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, जय जय श्री राधे। हाँ।
सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे।